12 बैंकों से करोड़ों की ठगी करने वाले दो आरोपियों को चंडीगढ़ साइबर सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान हरियाणा के करनाल के रहने वाले अमरजीत सिंह और हिसार के रहने वाले कुलदीप पन्नू के रूप में हुई है। इनका तीसरा साथी पंकज अभी फरार चल रहा है। यह खुलासा साइबर सेल के एसपी केतन बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उनके साथ एसपी मृदुल और साइबर सेल के इंचार्ज रंजीत सिंह मौजूद थे। एसपी केतन बंसल ने बताया कि अमरजीत, कुलदीप और इनका तीसरा साथी पंकज जो फरार चल रहा है, तीनों आरोपी अभी तक करीब 12 बैंकों के साथ 2 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। इनका ठगी करने का तरीका होता था कि यह आरोपी बैंकों की पहले रेकी भी करते थे। जिस समय बैंक का मैनेजर छुट्टी पर जाता था, उस दौरान यह आरोपी गूगल की सहायता से कैंसिल चेक किसी तरह से हासिल कर लेते थे और उसके बाद उन चेक पर एडिट कर राशि भरकर बैंक में जमा करवा देते थे और उसी बैंक को फोन करते थे जिस बैंक का मैनेजर छुट्टी पर गया होता था। वहां पर फोन कर कहते थे कि उन्हें इतने लाख रुपए की अर्जेंट जरूरत है। उन्होंने करीब 12 बैंकों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया। इस दौरान उन्होंने एक थार गाड़ी भी इसी तरह से ठगी कर हासिल की। मैं कंप्लेनेंट बैंक से ब्रांच मैनेजर खुद हैं फेडरल बैंक के। इसमें कंप्लेंट ये है कि जो जो मॉडस ऑपरेंडी है इसमें कि जो बैंक के हाई नेटवर्क क्लाइंट्स होते हैं वो एक बंदा वो उसको इम्पर्सोनेट करके वो ब्रांच मैनेजर को कॉल करते हैं कि वो कहीं अर्जेंसी में है, कहीं बाहर हैं, तो उनको अपने अकाउंट में से 18 लाख पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं। तो वो इस अर्जेंसी का उनको हवाला देते हैं, उसके बाद वो उनके कहने पे ये बैंक वाले पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं 18 लाख रुपए। तो उसके बाद जब हमें ये कंप्लेंट मिली तो हमने पर्चा दर्ज किया और पर्चा दर्ज करने के बाद फिर अभी 2 बंदे अरेस्ट करे हैं, अमरजीत रेजिडेंट ऑफ असंध करनाल और कुलदीप पन्नू रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हसार। तो जो इनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी है, ये जो लोग हैं जो ऑटोमोबाइल वगैरह वाली कंपनियां होती हैं उनसे पहले ये फ़ोन पे बात करते हैं, गूगल पे इनका नंबर वगैरह सर्च करके, तो उनसे परफॉर्मा इनवॉइस मंगवाते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस के बहाने वो उनका एक चेक की कॉपी मंगवा लेते हैं ताकि उनके अकाउंट नंबर वगैरह उनके पास आ पाए जिसमें वो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो जो कैंसल्ड चेक होता है उसको ये लोग जब व्हाट्सएप के थ्रू रिसीव कर लेते हैं उसके बाद उसको एडिट करते हैं, तो उस चेक को जब ये एडिट करके फिर बैंक में लगा देते हैं। बैंक में भी फिजिकली नहीं लगाते क्योंकि इनके पास व्हाट्सएप में होता है, तो व्हाट्सएप के थ्रू ही ये जो ब्रांच मैनेजर है उनको भेजते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये राजेश मक्कड़ को इन्होंने इम्पर्सोनेट किया, तो उनकी एक ऑटोमोबाइल की कंपनी है, उनका उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू उनसे कैंसिल चेक लिया, उसको उसके बाद उन्होंने फोर्ज करके ये ब्रांच मैनेजर को भेजा जिन्होंने वो व्हाट्सएप के थ्रू उनकी रिक्वेस्ट को जेन्युइन मानते हुए पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसमें जो सामने आया एक अभी बंदा और है पंकज जो अभी बचा हुआ है इसमें अरेस्ट, तो ये पंकज, अमरजीत और कुलदीप ये तीन लोग इसमें ये मेन ये नेटवर्क चला रहे थे और इनका ये जो मुलाकात है कुलदीप और पंकज की, इनकी पहले सहारनपुर जेल में हुई थी। तो अमरजीत और कुलदीप इनका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये पहले लोन जो फ्रॉड है वो काम करते थे ये लोग, तो उसमें इस पर पहले भी पर्चा दर्ज है अमरजीत पे हुआ था लोन फ्रॉड में, तो उसमें भी इनके ऊपर 306-420 का पर्चा है अमरजीत और कुलदीप के ऊपर। तो वहीं पे ये लोग जेल में मिले थे और वहाँ से इन्होंने ये नया मॉडस ऑपरेंडी शुरू किया। ये लोग 6-7 महीने से काम कर रहे थे, तो जब इनके इंटरोगेशन में सामने आया है उसमें इन्होंने 10-12 बैंक्स के साथ ऐसा फ्रॉड करा है जिसमें जो अभी तक इनको डिस्क्लोज़र में सामने आया 2 पर्चे भी दर्ज मिले हैं, बाकी अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो इन्होंने जो टोटल इसे कमाई करी है अराउंड 2 करोड़ करी है, और इस पर्टिकुलर केस में जो हमारी रिकवरी है इसमें एक थार व्हीकल रिकवर हुआ है जो उन्होंने चीटेड अमाउंट से ख़रीदा है। इसके अलावा इन्होंने कुछ गोल्ड आइटम्स परचेज करी हुई हैं, 4 रिंग, 2 चेन, 2 गोल्ड क्वाइन, इसके अलावा 5 लाख कैश इनसे बरामद हुआ है। वहीं एसपी केतन बंसल ने कहा कि बैंक और अन्य लोग ऐसे लोगों से सावधान रहें। के लिए भी यहाँ से इम्पोर्टेंट ये उनके लिए है अवेयरनेस के माध्यम से कि जो भी उनको कैश ट्रांसफ़र या जो भी ट्रांसफ़र की ट्रांजैक्शंस करनी है वो उनको व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू उनको नहीं करनी चाहिए। जो उनको प्रॉपर फिजिकल उनके मेथड बने हुए हैं उनको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके ही उनको ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए। हाँ जी, इनके साथ अभी मैंने आपको बताया कि एक तो जो पंकज है, इसके अलावा 2 और लोग हैं जो आधार कार्ड वगैरह फोर्ज करके बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर लेते थे।
हाँ जी, इनके ऊपर जैसे आपको मैंने बताया ये सहारनपुर जेल में रहे हैं कुलदीप पन्नू, और इसको बेल मिली हुई थी अमरजीत को। इसके अलावा ये अमरजीत राजस्थान की जेल में भी रहा है। तो पहले ये ऑनलाइन फ्रॉड, काफ़ी टाइम से लोन फ्रॉड करते थे, अभी इन्होंने 6-7 महीने से मॉडस ऑपरेंडी अपना चेंज करा है।